आज पता नहीं क्या है, मतलब धुंध है आज दोपहर में। हैं? और चालान कटने वाला है। शाबाश बेटा। यार भाई तो वो तीन चार चार दिन एक बार देखो। वो किरी दे दी। तो आज हम आंटी से एक्सपायर होके देखना डरना मत। ये देखो, ये है आर्ट और ये रहा हमारा आर्टिस्ट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु ब्लॉग्स। आई होप आप लोग अच्छे हुए। तो आज कुछ डिफरेंट लुक, मतलब टीका भी लगाया हुआ है और कुर्ता भी डाला हुआ है क्योंकि आज है मंडे और आज महाकाल के भक्त का है उपवास, मतलब कि फास्ट। तो मैंने पूजा वगैरह करी है मतलब, और कुकू का किया है रुद्राभिषेक। और हमारी काजल मैडम पता नहीं कहाँ गई, वो मैं सो गई और जल्दी सो गई क्योंकि जल्दी उठ गई थी सुबह। काजल, ओ माय गॉड, यही है वो बंदी जो गंदी शक्ल बनाती रहती पूरे टाइम। और आज हमारे यहाँ मौसम हो रहा है कुछ बदला बदला काजल की तरह। आज पता नहीं क्या है, मतलब धुंध है आज दोपहर में। इतना अच्छे मौसम में नाक चढ़ाए खड़े हो, धूप है ई का है बे। Shut up. ऐसे कौन करता है बे? Oh, you. क्या हुआ? मजा ही आ जाता। कैसे बच गया तेरा कौन? तो यार मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मैडम खुद तो ब्रेकफास्ट में मस्त मस्त पराठा मार के बैठी है और तो मेरा ख्याल ही नहीं। हाँ भाई, ओ मैडम, कुछ विचारधारा है आपकी? हैं? क्या बोले बे? क्या 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 दोबारा बोलियो। अरे बना ले खुद। मम्मी से तो बड़ा झक मार के बोलती है, मैं इतना करती हूँ, इतना खिलाती हूँ, वो खिलाती हूँ। आज क्या हो गया? नहीं मैं हर मंडे को करती है, तेरा पेट का दर्द सही कर दूँ, चुपचाप बना दे। और यार मैंने आज मतलब पूजा के टाइम तो शूट किया नहीं, बट मैं फोटो डालूंगा, आज का अलग श्रृंगार किया था मतलब उनका। यार बहुत बहुत ज्यादा मस्त लग रहे थे मतलब भोलेनाथ, तो आप लोग भी देखना। कम गई। अभी सोने की तैयारी हो रही है मैडम की, अभी से बताओ 12 बजे से सो रही हूँ मैं। अभी पटरी पे हमने पहना है कुर्ता जो कि हमारा दिख नहीं रहा क्योंकि हमारा शीशा हो रहा है गंदा। चलो यार भूख लग रही है, पहले कुछ बनवा दो, सो खड़ा करे उसके बाद शूट करूंगा। खड़ी हो जाए जल्दी प्यार से, पेट में दर्द है बहुत ज्यादा। दर्द सही कर दूंगा जल्दी, खड़े हो जा। इसको मैं कूट लेता हूँ पहले, बाद में करूंगा शूट। तो हमारा चालान कटने वाला है, मैं जा रहा हूँ अपनी कटिंग करवाने के लिए। फिर यही फेंक देंगे ना गोबर की चोट के साथ। हमारी मर्जी, हम गाड़ी में जाए बाइक में जाए, हमारा चारा वाला ना कटे। आ जाओ घूमे आ रहे आज हमारे बाइक राइड तो मन था। ओह माय गॉड, ये इस टाइम पे जाम मिलता है 6:30 बजे कहीं कुछ करो बाइक से, और देखते हैं कटिंग कैसे रहती है। मस्त है घटी है। तो अभी जा रहे हैं हम इस सरदार जी का पीछा कर रहे हैं। पकड़ो इसको। आ भैया रुक जा। आ भैया, भैया रुक ही नहीं रहे। चलो यार रख देता हूँ, कोई पागल समझे। ओ किरी दे दी, मुझे लग रहा है गाड़ी में ठोकेंगे। चलो यार गाड़ी में ठुक ठुकाना जाए, इसलिए मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। तो जहाँ मेरी हो चुकी थी कटिंग, लगे पता नहीं कैसे करी यार, बाल ही नहीं रुक के दे रहे, बार बार साइड में सेट कर दे रहा। अभी देखो ऊपर करूँ फिर से नीचे, इतना परेशान हो गया ऐसी कटिंग कर दी। उसके बाद गए थे हम पार्लर क्योंकि उधर काजल को बनवानी थी अपनी मूछे अपर लिप्स और थ्रेडिंग करानी थी उसको, तो उस चक्कर में पार्लर चले गए थे। तो उसके बाद हम घर पे आ गए और उसने पता नहीं क्या किया मेरा। तो बस कटिंग करवा के आ चुके हैं और काजल लिपस्टिक लाई है, वो मेरी लिस्ट पे ट्राई कर रही है।
बड़ा हरामी हो बेटा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो तो मारो। रुकना यार, आ करा। अब बस जा, खत्म। तो आज मंटी से एक्सपायर होके क्या बोला, क्या बोला? मंटी से एक्सपायर होके इंस्पायर होके अपने घर पे बना रहे हैं सैंडविच, जो हम धूप में उसे लेने गए चीज सैंडविच। ये कर लिया पेस्ट रेडी, इसके अंदर भी हमने चीज और मेयोनेज़ डाली है, मेरे हमारे ब्रेड और ये डाल दी हमने चीज। हाँ भाई काजल, कितने रुपए का है? आंटी ने हमें तो बुलाया नहीं, हम आंटी को बुला लेते हैं। हाँ जी, ये लोन निकाल दिया, कहाँ देना है ये? तो देखते हैं होममेड चीज सैंडविच कैसे बनते हैं, और हम ट्राई कर रहे हैं तवे पे। अरे इसके अंदर डाल देते हैं इसको, क्या चीज है? अरे सैंडविच बना दे जल्दी घर पे तू। टोस्टर? हाँ टोस्टर, टोस्टर बोलते हो तो मतलब तवे पे ट्राई कर रहे हैं हम, जो जिसमें बनते हैं उस पे नहीं कर रहे, अभी देखते कैसा बनेगा। और हम हैं गरबा, जो कि बिहारी बबुआ लग रहे हैं, क्योंकि आज पता नहीं क्या हो गया, अजीब सा हो रहा है। कटिंग करवाने के बाद फेस बहुत गंदा लग रहा है, और जब बन जाएंगे तभी दिखाऊंगा मैं काजल का ये टैलेंट। बाकी यार पेस्ट बहुत जबरदस्त लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज जली है, और फिर लास्ट में पिज्जा मसाला और चिल्ली फ्लेक्स। और इसका वो दिखा दो डब्बा, कल इसमें घी डाला था, इसकी हालत देखो कैसी हो गई, इसमें से निकाल दिया। दिखाना पड़ लगा भाई, ये देखो उसमें गर्म घी डाल दिया था मैंने, निकाल लिया उसमें से निकाल रही है। चलो यार बन जाएंगे सैंडविच, फिर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को बाद में। तो गाइस फाइनली हमारे एक मतलब एक टोस्ट सैंडविच बन के तैयार हो गया है, और मैं दिखा देता हूँ काजल का टैलेंट। पहले तो मैं तुम्हें चीज दिखा देता हूँ, कल इसमें और डाल चीज यार मजा नहीं आ रहा, ये रही। और अभी कैसे बने वो दिखा देता हूँ, ये मतलब वो वाली कर दी ऊंची दुकान फीके पकाऊ, यहाँ से तो अच्छा लगेगा, अभी देखना डरना मत। ये देखो ये है आर्ट, और ये रहा हमारा आर्टिस्ट। शाबाश बेटा, वो जला क्यों रही है यार? यार इतने तो चलिए थोड़े से क्रंची, तो तू खाएगी क्रंची जा रहे ऐसे जला के बना रही यार, देखो कदल ले देखिए, तो पिंक करने वाला बंदा है इनने जला दिए, तू ही खाइयो मैं तो खाऊंगा नहीं। तो अभी होगा जादू, इधर सामान पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं दिख रहा हुआ आप लोगों को, अभी दो चार मिनट में मैजिक हो जाएगा। कोई है क्या इसमें? बस खिलौने यार, देख लो कुछ भी नहीं है। और अभी मैं मैजिक दिखाता हूँ। हेलो ये आ रहे हैं मैजिक में, इसके अंदर क्या कर रही है? ओए भूमि ऐसे जा तुम देखा हो भाई, बस तू उसके अंदर जाकर सामान ढूंढ के ला रही है भूमा। हाँ पगी शर्मा की कैमरा दिख गया, ये देखो इसका नया टैलेंट लगा दो, चेयर पे लगाई वहां चढ़ेगी, वेरी गुड। सब शर्मा गया है, शर्मा गया खेलती, देखो सारा सामान फैला गया। और इसके खिलौने में पता नहीं क्या क्या आइटम रखे हुए हैं। लीड की जोर दर दे दे भाई, खेल में जा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बिगली बाय, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।